क्या हाल है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश भर में कबड्डी के आयोजन का कार्यक्रम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के हर डिस्ट्रिक्ट केंद्र पर नमो कबड्डी हो रही है। इसमें नौजवानों को जोड़ने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए कबड्डी के माध्यम से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कर रहा है। उसी के अंतर्गत आज कश्मीर के श्रीनगर में, जो देश और दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, प्यार और मोहब्बत की जगह है, वहां पर आज कबड्डी का, नमो कबड्डी का आयोजन आज रखा है। उसी के लिए मुझे आने का मौका आज श्रीनगर में मिला है, तो आज नमो कबड्डी का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। सर, माहौल की बात करें, किस तरह का माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल है जी, इतना खूबसूरत माहौल। मैं तो अभी डल झील होके भी आया हूँ, नेहरू पार्क होके भी आया हूँ, मुगल गार्डन होके भी आया हूँ, शहर में भी लोगों से मिलते मिलाते आया हूँ। लोगों में बड़ा खुशी है, बड़ा अमन है, बड़ा चैन है, बड़ी इंसानियत, भाईचारा बहुत अच्छा है जी। यहाँ का वातावरण ही अलग दिखाई दे रहा है। सर, हाल ही में जो है जम्मू में लेजेंड्स लीग के मैचेस कराए गए, जबकि कश्मीर में जो खेल शायकीन है वो भी चाहते थे कि यहाँ पर भी मैचेस हो लेजेंड्स लीग के या आईपीएल के, तो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि माहौल भी अब ठीक है, सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, वो मुझे अभी हाउस में मिलेंगे आज, तो मैं आज उनको बताऊँगा आप लोगों की मांग के बारे में कि यहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए लीग वगैरह भी कराई जाए, सब कुछ कराया जाए। जो पूरे देश में होता है वो कश्मीर में भी होगा, श्रीनगर में भी होगा। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 370 के हवाले से, तो कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उनका मानना है कि कश्मीर अब जहन्नम में गया है, कैसे आप इस देखिए, स्वर्ग को जहन्नम कहना, जिस नेता ने भी ये कहा है, ये उनके मानसिक दिवालियेपन को बताता है। भारत की आत्मा कश्मीर में बसती है। कश्मीर का नौजवान आज दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, आतुर है, और धारा 370 और 35 से हटने की बात, देखिए, जो अमन चैन खुशी का माहौल, जो हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने की ललक, और जो भारत सरकार में मोदी सरकार ने जो सभी के लिए, जो हर वर्ग के लिए जो दिया है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज कश्मीर का नौजवान भी चाहता है, यहाँ की हमारी माताएँ बहनें भी चाहती हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, जैसे पूरा भारत रहता है वैसे कश्मीर भी भारत का अंग है, कश्मीर भारत है, हम कश्मीर के हैं, कश्मीर हमारा है, तो ये भावना आज सभी में है। सब लोग खुशहाली से रहना चाहते हैं, अमन चैन से रहना चाहते हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह ही दिया है, तो मैं तो जिसने भी जहन्नम कहा है उनकी निंदा करता हूँ, और उनको ये इस तरह के शब्द कश्मीरियत के लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए, ये उन्होंने गलत बोला है। ये स्वर्ग है, और शांति का भी, अमन का भी, भाईचारे का भी, इंसानियत का भी। 2024 में इलेक्शंस है, क्या कुछ है, अब क्या लगता है कि बीजेपी कहाँ जाएगी, और खासकर जो है जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी? देखिए, आप अभी आने वाले समय में अब चुनाव का रास्ता प्रशस्त हो गया है, एक वर्ष के अंदर चुनाव हो जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा भी है, तो अब तो लोग, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने चुनाव की तैयारियों में जुटें, और हमें पूरा विश्वास है कि कश्मीर की जो आवाम है, कश्मीर की जो जनता है, कश्मीर के जो लोग हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से कश्मीर के अंदर भी हमारी आने वाले समय में सरकार बनेगी। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर आज शपथ ग्रहण के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ हमारी बड़ी बहुमत की सरकार बनी है। इस देश की जनता, भारत की जनता नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम देश भर में 400 से ज़्यादा सीटें पार्लियामेंट की जीत के आएंगे, और फिर भारत को एक बड़े मुकाम पर दुनिया में सबसे आगे विकसित बनाने का काम करेंगे। विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं, विकसित भारत, विकसित कश्मीर, विकसित श्रीनगर, और यहाँ की आवाम, ये सब विकसित हो। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कुमार चार सर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे
नेशनल डीडीसी भी हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इनका जो आप कंटिन्यू रखिए सुरत, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप हमारे स्टेट Thank you.